हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल ए के क्रिएटिविटी एंड रेसिपी में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ चावल की इंस्टेंट बनने वाली चकली। इसके लिए मैंने 7-8 गिलास पानी लिया है, उसको गर्म करने के लिए रख दिया है पानी को। अब हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। नमक डालने से पानी में जल्दी उबाल आता है फ्रेंड्स। अब मैंने 4 चम्मच तेल को अच्छे से धो के लिए है, उसमें थोड़ी बारीक सी मिट्टी थी। 1 चम्मच इतना अजवाइन डाला है मैंने। अजवाइन डालने से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं, मैंने ये राशन के चावल लिए हैं। इसको अच्छे से साफ करके 1/2 घंटा के लिए भिगने के लिए छोड़ दिया था। अब पानी में उबालने के बाद हम चावल डालेंगे। अब पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम चावल ऐड करते हैं। हमें चावल को बहुत ही सॉफ्ट अच्छे से पकाना है, इसलिए मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा लिया है। मैंने चावल के 3 गुना ज़्यादा पानी लिया है। ये देखिए, हमारा खाना बनकर तैयार हो गया है, अच्छे से सॉफ्ट बनाया है। थोड़ा चम्मच से हमें मैश भी करना है इसको थोड़ा सा। हमें इसको बनाने के लिए ये साँचा लगता है, ये साँचे से बनाया है। ये नहीं है तो आप प्लास्टिक बना सकते हैं। मैंने हल्का सा मैश करके लिया है चावल को। उसमें भर के हमें गोल गोल राउंड में चकली जैसे बनाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे बना लिए हैं अच्छी तरीके से। 1 दिन में ये अच्छे से सूख जाते हैं फ्रेंड्स, धूप ज़्यादा है ना, जल्दी सूखते हैं। ये देखिए, मैंने शाम को नीचे ले आई हूँ, अच्छे से सूख गए हैं। आपको इसको मैं फ्राई करके भी दिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बिल्कुल जल्दी जल्दी से बनते हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना वीडियो को। मैंने इसको फ्राई करने के लिए तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल गरम हो गया है अच्छे से, मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से फूलते हैं ये और फटाफट बनते हैं ना, इसको आटा पिसाने की ज़रूरत ही कुछ भी नहीं, खाली सिंपल सा खाना बना के बनाना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।